मुख्यमंत्री जी, ये कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं है, आप ही के ही बिहार के लोग हैं। ये छोटी सी बच्ची बता रही है, ये छोटी सी बच्ची बता रही है कि हमको पता है कि भैया कहाँ पे जहरीली शराब बनती है। अगर इसको पता है तो यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं प्रशासन के, उन लोगों को नहीं पता क्या इस बात का? अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। बताइए, एक छोटी सी बच्ची को पता है कि जहरीली शराब कहाँ बनाते हैं, और ये लोग को नहीं पता जो यहाँ पे प्रशासन चला रहे हैं, यहाँ पे SP, DM, SHO, किसी को नहीं पता। बताइए, सही बोल रही है बच्ची? कौन था भाई? कौन था? ये हाँ, लेकिन ना रहे थे वे लोग, तो काम करी था डरा दे ले रहे के ना हुए ये हुआ तो हमने के पूछ नहीं सन हुआ लोग से कोनो दिक्कत परेशानी बानो सरकार में सुबह आया तो कोई बोल नहीं रहा था, कोई नहीं बोल रहा था, शासन आया तो बोल रहा था क्या मांग करेंगे भाई? देखिए सर, क्या मांग करेंगे? मांग से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले वो अपनी आंखें खोलें, पहले देखें कि बिहार में बोलते हैं ना कि महिलाओं के लिए हमने कानून बनाया, ये कौन है सब लोग बताइए? महिलाओं के लिए बोलते हैं ना कानून बनाया, आज उनके कानून की विफलता की वजह से आज जहरीली शराब पी पी कर, ये तो दो परिवारों के उदाहरण है ना भैया। हम तो पिछले 6 महीने से जहरीली शराब से हुई हजारों मौतों में हम जा रहे हैं। चंपारण में हम गए, गोपालगंज हम गए, मुजफ्फरपुर हम गए, वैशाली हम गए, महुआ हम गए, छपरा हम गए, आरा हम गए, बक्सर हम गए, नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला हम गए, आज हम यहाँ पे आ रहे हैं। कितनी माताओं के हमने आंसुओं पोंछे हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक बार जरूरी उनको महसूस नहीं हुआ कि भाई आके मिले, एक बार मुख्यमंत्री इनके आके सर पे हाथ रखते, शासन प्रशासन की हिम्मत होती इनको डराने धमकाने की? एक बार आकर अगर वो पूछते कि भाई बताइए, ये छोटी सी बच्ची बता रही है, ये छोटी सी बच्ची बता रही है कि हमको पता है कि भैया कहाँ पे जहरीली शराब बनती है, अगर इसको पता है तो यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं प्रशासन के, उन लोगों को नहीं पता क्या इस बात का? और अगर संदिग्ध हालत में अगर किसी की मौत हुई है तो भैया सबसे पहले पोस्टमार्टम कराया जाता है। ऐसा नहीं ना है कि कैसे, भाई एक बार हमको पहले पूरा बोलने दीजिए, पहले हमको बताइए कि कैसे संदिग्ध हालत में हुई मौत को बिना पोस्टमार्टम के प्रशासन ने उसका देह संस्कार करने को दिया, कैसे इजाजत दे दी? और उसके बाद भाई पीड़ित परिवार को आप डरा रहे हैं, आप धमका रहे हैं, इनसे कागज पे लिखवा रहे हैं। कौन सी मौत में हम लोगों ने देखा है जहाँ पे प्रशासन कागज पे लिखवाता है कि नहीं हमको किसी से शिकायत नहीं है? भाई आप लोग कुछ छुपा रहे हैं तभी ना आप लिखवा रहे हैं, आपके मन में खोट है इसीलिए आप लिखवा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूँ कि पहले जितने दोषी अधिकारी हैं, जितने थाना के लोग हैं, और SP साहब भी इसमें संज्ञान लें, जितने लोग यहाँ पर हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो जिन्होंने लीपापोती करने का काम किया है, जिन लोगों ने दबाव में डालकर इन लोगों से लिखवाने का काम किया है, पहले तो उन लोगों पे कार्रवाई हो, सुरक्षा मुहैया कराई जाए परिवार के लोगों को। भाई आज हम लोग चले जाएंगे, अभी मीडिया के लोग आप लोग हैं, कल को भगवान ना करे अगर इस परिवार में से किसी भी सदस्य के साथ कुछ हुआ तो आज मैं दावे के साथ कह के जाता हूँ कि उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के लोग होंगे। वो लोग इनको सुरक्षा मुहैया कराएं, 25 लाख रुपए का मुआवजा सबसे पहले सरकार दे। भाई खाने कमाने वाला क्या, 4 बच्चे इस परिवार में, बूढ़े माता पिता हैं, 4 बच्चे हैं परिवार में, छोटे छोटे बच्चे, इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? 25 लाख रुपए का मुआवजा परिवारों को दिया जाए। यहाँ पे देख लीजिए, तीनों बच्चियाँ, तीनों महिलाएं हैं, यहाँ पे एक बूढ़ी दादी है, यहाँ पे कौन देखेगा, इनका पालन पोषण करेगा? खाने कमाने वाला व्यक्ति भाई मानवता का भी आधार बनता है, इंसानियत का भी आधार बनता है। मुख्यमंत्री जी, ये कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं है, आप ही के ही बिहार के लोग हैं। ये
इनको मुआवजा दें, संभव हो बच्चों के रोजगार का, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करें, सरकारी स्कूल में इनकी व्यवस्था करवाएं। नहीं करवाएंगे तो भैया हम लोग तो करेंगे ही। हम लोग तो कल भागलपुर भी गए थे जहाँ पे 15 लोग मर गए थे ब्लास्ट में, कोई उनको खाना तक नहीं खिलवा रहा है, हम लोग के लोग वहाँ पे उनको खाना खिलवा रहे हैं। नहीं करेंगे हम, बच्चों की पढ़ाई की हम जिम्मेदारी उठा लेंगे, पर ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि घर का खर्चा कैसे चले, इनको मुआवजा दिया जाए, बच्चों का सरकारी स्कूल में इन लोगों का दाखिला कराया जाए, और उसके बाद परिवार का कोई सदस्य जो भी ठीक लगे कि भैया कोई आशा में, ममता में, जैसे भी हो, उनको वहाँ पे भर्ती करवाई जाए ताकि आने वाले समय में बच्चों का पालन पोषण परिवार करे, पर सुरक्षा मुहैया करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को। भाई मुख्यमंत्री के संरक्षण के बिना, प्रशासन के संरक्षण के बिना ऐसे अवैध धंधे नहीं चल सकते हैं। आयात होता है अवैध शराब का, जहरीली शराब का निर्माण होता है हमारे, और अब तो जिले में नहीं, प्रखंड में नहीं, पंचायतों में पहुंच गया ये धंधा। तो मुख्यमंत्री के संरक्षण के बिना इतना आपराधिक धंधे नहीं चल सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर सही में अपने शराबबंदी कानून को अगर वो धरातल पर उतारना चाहते हैं तो पहले आके इन परिवार वालों से मिलें, पूछें इनसे क्या हुआ कैसे हुआ। जब तक आप मिलिएगा नहीं, पूछेगा नहीं, आप समझिएगा कैसे कि भैया क्या घटना घटी है। अरुण जी बताइए। नहीं एक मिनट, पूर्व सांसद पहली बात तो ये है कि सारा लक्षण जो लिखवाए हैं, कभी कभी चोर कुछ चिन्ह छोड़ जाता है, तो जितना कुछ उन लोगों ने लिखवाया है अपने मन से, उसमें भी सीना में दर्द, उसमें पेट में दर्द, जो जहरीली शराब से ही होता है, और इसको जब इस तरह के लक्षण आए हैं तो निश्चित तौर से ये इनकी नियत ठीक होती तो इस तरह के कार्रवाई नहीं करते। ये तो अपराधी का काम खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 302 का मुकदमा मुख्यमंत्री पर चलना चाहिए। इन गरीब परिवार के लोगों को मारने का कानून के तहत उन पर मुकदमा चलना चाहिए। सही बात है, ये हत्या है, हत्या है, सीरीज ऑफ मर्डर हुआ है। इसलिए इन मजलूम बच्चियों का क्या होगा, इन परिवार का क्या होगा। इसलिए निश्चित रूप से आज यह दुखद क्षण है, और हमारे नेता चिराग पासवान जी संवेदनशील है, ये मानवीय पक्ष है, ये मानवीय पक्ष के आधार पर भी नहीं तो सरकार को तो बिल्कुल थोड़ा सा भी लोक लाज हो तो तुरंत इमीजिएट आना चाहिए, और आकर के इनसे पूछना चाहिए सरकारी तंत्र इन लोगों को कैसे महरूम कर रहा है अपने मौलिक अधिकार से। इन्होंने कहा कि हम पैसा देंगे जो लोग शराब से मरेंगे, तो ये छन-छन बदल जाता है। यह गरीब को नहीं देना है, यह किसको नहीं देना है, ये नौकरी देने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम मुआवजा देंगे और जो लोग दोषी होंगे उनको दंडित करेंगे। दोषी ये हैं तो लाचार लोग, गरीब लोग, पीड़ित लोग को पुलिस अपने ताकत से जो अवैध कमाई करोड़ों करोड़ कर रहा है उन लोगों को बचाया जा रहा है, और ये गरीब लोग जो बिलख रहे हैं, जिनका भविष्य अंधकार में है, उसको मारा जा रहा है। इसलिए 302 का मुकदमा इन सारे लोगों पर चलना चाहिए और इन लोगों को बचाना चाहिए। इनके सुरक्षा का भी इंतजाम हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी ने कहा है, और हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। कहीं भी पीड़ित मानवता का जहां सवाल है, वहां लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से खड़ा होगा, एक एक साथी खड़ा रहेगा। इसलिए आप लोग भी घबराएं नहीं, पूरे मजबूती से इस संकट की घड़ी में हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरी पार्टी हमारी आपके साथ है, और छोड़ेंगे नहीं। सरकार कोई दया नहीं करेगी, यह कानून के तहत है, यह वेलफेयर स्टेट है, इनका आपदा प्रबंधन विभाग है, ये सब लूट के लिए है। इसलिए हम इस लड़ाई को, हमारी पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है, और मजबूती से आपके लिए भी ये सब हम लोग करेंगे यदि सरकार असफल हो। घोषणा इन लोगों ने चुनाव से पहले की थी ना कि किसी दलित परिवार में हत्या हो गई तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक हत्या के बाद हमको बता दीजिए कि किसी भी दलित परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिली हो। आप डीएमएसपी से, डीएम से जाके आप पूछेंगे तो बोलेंगे इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो चुनाव के वक्त सिर्फ झुंझुना आपको मिलता है दिखाने के लिए, और क्या ये हत्या की श्रेणी में नहीं आता? जहर खिलाकर किसी को मारना हत्या होती है कि नहीं होती है? तो उसी तरीके से जहरीली शराब पिलाकर अगर किसी को मारा गया है तो ये हत्या है, हत्या की श्रेणी में ये आता है।
तो जब आपने घोषणा की थी चुनाव से पहले कि अगर किसी की हत्या होगी तो सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो आज दीजिए सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी, और नहीं तो जनता समझ रही है फिर आपकी बातों को कि चुनाव के वक्त आपके स्वर अलग होते हैं और चुनाव के बाद आपके स्वर अलग होते हैं। बेचने वाला सब ऐश कर रहा है, एक पिलाने वाला बताइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पकड़ के दिखाया हो, एक कोई ऐसा गिरोह बता दीजिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पकड़ के दिखाया हो। डॉक्टर इंजीनियर को तो पकड़ लेते हैं, दुल्हन के कमरे में छापेमारी कर लेते हैं, पर एक गिरोह इनसे नहीं पकड़ा जाता। एक कोई ऐसा जो जहरीली शराब का निर्माण बना रहा हो वहां पे छापेमारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि घूस का पैसा जाता है भैया, महीना महीना नहीं हफ्ता हफ्ता बंधा हुआ इन लोग। फोटो दादी को अंदर ले जाइए, दादी को अंदर जाइए, आप घर के ले जाइए। पानी दीजिएगा इनको, पानी पिलाइए। आप सब थोड़ा सा हिम्मत रखिए, हम देखिए इसके बाद जो जो चीज़ें हो सकता है बच्चे के लिए वो हम करना जरूर के लिए, ताकि बच्चा लोग ठीक से अपना आगे का जीवन बिता के सकते। इन लोगों के लिए आप क्या करेंगे भाई? हम पढ़ाई के लिए जितना हो सकता है बच्चों का, आप इनका जिम्मेदारी उठाते हैं जो तीन परिवार है यहाँ पर, हम करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? अब सरकार अगर आंख मूंद के बैठेगी तो खामोश तो हम नहीं ना बैठेंगे, हम ये इंतजार तो नहीं करेंगे। कल को भाई एक घटना घटी है, कल को बच्चों का पालन पोषण ढंग से नहीं हुआ, इनके साथ कोई घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सर शराबबंदी के लिए क्या कोई और कड़ा नियम लागू होना चाहिए? अरे प्रभु, मुख्यमंत्री को बोलिए शराबबंदी से बाहर निकले, समझे इस बात को। सिर्फ शराबबंदी करके जब तक आप जमीन पर उतर कर नहीं देखेंगे, शराबबंदी बोलने से नहीं होती है। आप आकर देखिए कि शराबबंदी कानून में क्या विफलताएं हैं, हमको बता दीजिए। आप लोगों का कैमरा एक जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हैं क्या? एक जगह नहीं, नहीं एक जगह आप जाइएगा नहीं, आपको पता कैसे? भाई यहाँ पे आइएगा, इनसे मिलेगा, दादी से मिलेगा, बताएंगी ना कि कैसे मरा इनका बेटा, बोलेंगी कि भैया उसको क्या हुआ, कैसे हुआ, सीना में दर्द हुआ, पेट में हुआ, आँख जला। बच्ची बताएगी कि जाइए चाचा देखिए सामने वहाँ पे जहरीली शराब बना रहा है सर, तब ना वो पकड़ेंगे किसी को, या सिर्फ अपना एक अनन्य मार्ग में बैठे बैठे इसी की हवा खाते हुए उनको लगेगा कि शराबबंदी कानून धरातल पर उतर जाएगा। ऐसा नहीं होता भैया, बिहार के प्रधान है, बिहार पे ध्यान देने की जरूरत है उनको, तीसरे नंबर पे इसीलिए आ गए हैं वो। संजय तत्काल राहत कुछ मिल रहा है अंजलि आपका नीति प्रीति क्या सर लगता है कि इस समय जो शव को दफनाया गया है अगर उसकी पोस्टमार्टम हो जाए तो खुलासा हो सकता है? भाई पोस्टमार्टम तो किया ही जाना चाहिए था ना, अब क्या संभावना है? प्रशासन अपने सामने शव को दफनवाई, नमाज भी पढ़ने नहीं दिए मुसलमान लोग, इसीलिए ना कि जब मतलब कितनी जगह दफनाने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग जाते हैं बताइए हमको, यहाँ अपने आँख के सामने, अगर यहाँ पे अगर सामने दफना रहे हैं तो अपना चोर छिपा रहे हैं ना वो, तो मतलब मन में भय है कि भैया फटाफट दफना दो, सबूत मिटा दो। सर नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं यहाँ पे, लेकिन विपरीत नजर आ रहा है सारी परिस्थिति उनकी बातों का। भाई ये फंसाया नहीं जा रहा, अब वो परिवार डर के मारे नहीं बोले, भाई जो हिम्मत किया वो बोल रहा है।
और कल को हम उम्मीद करते हैं कि भैया ये नहीं तो कल को जब हम लोग की सरकार आएगी तो जो मुआवजा उचित बनता है वो हम लोग दिलाएंगे भाई, मिलना चाहिए। 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर जब ये बोलते हैं मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी परिवार के एक सदस्य को मिलनी चाहिए, क्यों नहीं ये सारी चीजें मिल रही हैं? तो अगर ये नहीं बोलेंगे वो परिवार को डरा दिए लोग, उनसे लिखवाए तो सबसे हैं ये लोग। अच्छा और बताइए कि अगर मान लीजिए हार्ट अटैक आया जो आया, तीनों परिवार में एक साथ आ गया, ऐसा क्या हो गया था भैया कि तीनों को एक ही साथ एक ही जैसी चीजें हो गई? तो भाई ये तो मतलब सफेद झूठ, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो सारी चीजें सामने, पर उसके बाद भी प्रशासन सोचता है कि हम लोग मूर्ख हैं। भाई हम लोग मूर्ख नहीं है, गांव की जनता भी आज की तारीख में इतनी जागरूक हो गई, आपने फंसाया बिना पढ़ाए बिना समझाए, आपने साइन करवा दिया, पर आज खुल के सब लोग बोल रहे हैं ना, हिम्मत वाले लोग हैं। दलित अगर आप सोचिएगा कि भैया इसको दबा देंगे कुचल देंगे तो बस ठीक है, फिर देखिएगा आने वाले समय में भाई हम लोग भी जवाब देंगे सब लोग मिलकर। वोट की चोट इस बार भी आपको दिए थे ना, उसके बाद अभी अगली बार फिर आपको समझ में आएगा भैया अगर इस तरीके से मत लीजिए इन बच्चों की हाय, इनके आंसुओं को अगर नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री समय रहते बहुत बुरा हो जाएगा।